नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पेंसिल के बारे में जो मिड रेंज में काफ़ी अच्छी पेंसिल है। और ये पेंसिल ब्रूस्ट्रो ब्रांड की पेंसिल है, जो कि एक बहुत रिनाउंड ब्रांड है अगर आर्ट मटेरियल्स के रिगार्डिंग बात करें तो। और ये पेंसिल्स मैंने अभी रिसेंटली क्रिएटिव हैंड्स के थ्रू मंगाई थी, और जहाँ से मैंने मंगाई थी उस चीज़ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि जिस वेबसाइट से मैंने इसको मंगाया था, क्रिएटिव हैंड्स की वेबसाइट है। और ये पेंसिल्स मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था। काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिड रेंज में कोई अच्छी पेंसिल्स के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी पेंसिल्स की और भी आपको बताया है। स्टैडलर हो गया, फेबर कैसल हो गया, 9000 रेंज हो गई, इवन चारकोल्स में भी काफ़ी पेंसिल्स आपको बता रखी हैं मैंने ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस पेंसिल के कैसे रिव्यूज़ हैं। फिलहाल तो ये देखिए, इसमें 12 पेंसिल्स हैं जो कि यहाँ पे बाहर से दिख रहा है, और इसमें लगभग सारी ग्रेड्स हैं, 2H से लेके 10B तक की सारी ग्रेड्स इसमें आ जाती हैं। और ये मेरे को पड़ा था लगभग 297 रुपीज़ का, और इसके साथ ये दो जो कि नॉर्मल से इरेजर्स हैं स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, वो भी इसके साथ में मिले थे। तो इसको तो हम पहले अभी किनारे रखते हैं और देखते हैं हम पेंसिल के में कौन कौन सी हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से पैकिंग है इसकी, जो कि पैकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे देखने से। और इसमें 12 पेंसिल्स हैं, इसका बिल्ट भी मुझे ठीक लग रहा है अभी अगर मैं देखूँ तो। यहाँ पे मैं कोई भी एक पेंसिल लेके देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिल्वर फिनिश दिया हुआ है ऊपर, और यहाँ पे इसका ग्रेड लिखा हुआ है, और ये ब्रूस्ट्रो ब्रांड की है, आर्टिस्ट पेंसिल्स हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रूस्ट्रो एक बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल ब्रांड है और उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जहाँ तक मैंने यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्टरी लगे थे इसके प्रोडक्ट्स, बट इन पेंसिल्स को देखते हैं और इनके रिव्यूज़ देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के वैल्यूज़ इसमें मिल रही हैं। पहले एक लाइटर पेंसिल को यूज़ करके देखते हैं कि किस तरीके के वैल्यूज़ मिलती हैं, उसके बाद फिर डार्क वैल्यूज़ को भी देखेंगे और इसको ब्लेंड करके भी देखेंगे कि ये कैसे ब्लेंड हो रहा है, अच्छे से ब्लेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी देखते हैं। इवन उसको थोड़ा सा इरेज करके भी देखेंगे कि इरेज भी होता है कि नहीं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसकी सबसे लाइटेस्ट है उसको यूज़ करता हूँ। 2H पेंसिल है, जो कि बहुत हार्ड होता है और लेकिन बहुत फाइन लाइंस इससे अडॉप्ट कर सकते हैं, खासकर रॉ स्केचिंग्स वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। लाइंस की स्ट्रेंथ तो अच्छी शो हो रही है फ्रेंड्स इसमें, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। अब देखते हैं HB पेंसिल को यूज़ करके, जो कि डार्क है, ठीक है, अच्छा। लाइंस की अलग अलग सेपरेट लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं, जो कि एक अच्छा साइन है एक अच्छी पेंसिल होने का। अब चलते हैं अपने आर्ट्स वाले रेंज में, जो कि है 2B से शुरुआत करते हैं और 2B को देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। साइड से भी यूज़ करके देखते हैं कि क्या साइड से कैसे चलता है ये। तो यूनिफॉर्म है देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ अनइवननेस सी नज़र नहीं आ रही है, सारा इवन ही लग रहा है। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके देखते हैं कि ब्लेंड होता है कि नहीं। मैं वाटर कलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो एक अच्छा ब्लेंड भी हो रहा है। तरह से देखते हैं फ्रेंड्स कि हायर ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करके, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 6B यूज़ करनी है, तो वो कैसे रिजल्ट दे रहा है। बहुत ही स्मूथ है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो इसकी ग्रेफाइट की लेड है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथली पेपर के ऊपर चल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि पेंसिल जितनी स्मूथ होगी फ्रेंड्स उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे पेपर के ऊपर। और
उतना ही ईज होगा एक आर्टिस्ट के लिए। हमेशा वो चाहता है कि उसकी पेंसिल थोड़ी सी स्मूथ हो, क्योंकि उससे क्या होता है पेपर पे पेपर भी डैमेज नहीं होता और उसको ब्लेंड करना भी ईजी हो जाता है, तो ब्लेंडर इसका यूज़ कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए मैं पेपर स्टम्प यूज़ करके भी दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोग पेपर स्टम्प से भी ब्लेंड करते हैं और यहाँ ब्लेंड अच्छे से हो जा रहा है। इवन पेपर स्टम्प यूज़ करके भी अच्छे से ब्लेंड कर दे पा रहा हूँ मैं, तो ब्लेंडिंग तो इसकी डेफिनेटली अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। अब यहाँ मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ और 4B से यहाँ कुछ ड्रॉ करके देखते हैं कि कितने ईजिली हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। बस ऐसे ही रफली कुछ ड्रॉ करके देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो काफ़ी आसानी से रिजल्ट्स ऑप्ट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो। एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, ना ही इस पेंसिल में एज कोई सैंडी टाइप का मटेरियल भी नहीं है जो बीच बीच में ग्रेफाइट में अक्सर होता है। नॉर्मली जहाँ तक मैं चीप पेंसिल्स में देखता हूँ कि काफ़ी वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो कुछ एक खुरदुरा सा आता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा, कुछ सैंड सैंड सा फील होता है ड्रॉ करते समय, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ बहुत स्मूथ सा रिजल्ट्स मिल रहे हैं और शेड्स और डार्कनेस को मैं अच्छे से ऑप्ट कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे 10B यूज़ करके देखते हैं फ्रेंड्स 10B से किस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इजीली डार्क वैल्यूज़ को मैं ऑप्ट कर पा रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड करके भी देखता हूँ, ब्लेंड भी ये हो जा रहा है, तो एक अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अगर मैं इन ऑल रिस्पेक्ट में बात करूँ। और मिड रेंज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी जो बिगनर आर्टिस्ट हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। जहां तक इसके प्राइजेस की बात है तो बहुत इकोनॉमिक पेंसिल है। और अब देखिए हाइलाइट्स दे करके भी मैं देख पा रहा हूँ कि इरेज़र को यूज़ करके भी ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इसकी लीड बहुत सॉफ्ट है और अच्छे से देखिए हाईलाइट अच्छे से ऑप्ट हो जा रही हैं, वाइट लाइंस को आप ईजिली ऑप्ट कर पा रहे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी पेंसिल का फ्रेंड्स, इवन नीडेड इरेजर यूज़ करके भी मैं हाईलाइट्स को ऑप्ट कर पा रहा हूँ, इवन 6B के ऊपर भी ऑप्ट हो जा रही हैं बड़ी आसानी के साथ और फिर उसको मैं रिफ़ाइन कर ले पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, और अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पेंसिल काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे इसके, और ब्रूस्ट्रो एक बहुत अच्छा ब्रांड भी है, ब्रांड वैल्यू भी है इसकी काफ़ी अच्छी, और मैंने काफ़ी और भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं इसी ब्रांड के जो कि मैं आगे ले आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि पेस्टल पेंसिल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इनसे मंगाई हैं। तो फ्रेंड्स आज के ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन सभी की बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन के भी दे दूंगा, क्रिएटिव हैंड्स की भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन।